वाओ, कितना टेस्टी लग रहा है ना, और कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है ना। ये जूस बहुत ही टेस्टी बनाया है ये जूस। तो आइए जानते हैं ये जूस हमने कैसे बनाया है और किस चीज से बनाया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मीनल में। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक रिफ्रेशिंग सी है ना रेसिपी शेयर करूंगी। और वो रेसिपी क्या होने वाली है, वो होने वाला है गन्ने का जूस, और वो भी बिना गन्ने के। गर्मियों का मौसम आ चुका है और जो ठेले पे ठंडा ठंडा हमें गन्ने का जूस मिलता है ना, तो यार पीने का तो मन करता ही है। बट क्या होता है ना, कभी हम पीते हैं नहीं पीते हैं, हाइजीन का इश्यू रहता है। तो सेम वैसा ही टेस्ट हम घर पर लेकर आएंगे। और ये रेसिपी बहुत डिमांडिंग रेसिपी थी, क्योंकि बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कह रहे थे कि मिनी दीदी आप गन्ने का जूस भी बताइए, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो गन्ने का जूस बनाने के लिए हमें गन्ना भी नहीं चाहिए, बस थोड़े से सामान के साथ हमें जो गन्ने का रस मिलेगा ना, क्या कहने, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम गन्ने का रस बनाने के लिए। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सिंपली मीनल को, ताकि इससे क्या आता है ना, इंस्पिरेशन मिलती है यार, कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो, लाइक देते हो, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाने का मन करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने है ना 100 ग्राम के आसपास मेरा गुड़ है, तो इसे हमें ना बारीक कट कर लेना, चाहे तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है तो इजीली कट जाता है, तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है ना, वरना अभी सर्दियों में आप अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है ये गुड़। और इसी तरह से हम कर लेंगे, ये देखिए बहुत ईजीली कट रहा है। तो अब हमें इसे लेकर के इस बाउल में रखना है। और इसे मुझे है ना थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए भिगोना है। तो आधी कटोरी पानी लिया है मैंने और इसे भिगो दिया है। हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, ताकि ये और अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा गुड़। तो 15 मिनट हो चुके हैं ना हमारे गुड़ के रखे हुए। तो देखिए 15 मिनट बाद हमारा जो गुड़ है वो ऐसा हो गया है, मतलब पूरी अच्छे से मेल्ट हो गया है ये। और अब हमें क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ क्या करना है। तो हमने ये गुड़ ले लिया है और इसको हमें इसमें डालना है मिक्सर में। ये देखिए इसमें जो रह गया है थोड़ा बहुत, वो भी हम इसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना की पत्तियाँ, तो ये हमारी थोड़ी सी हैं, आप अपने हिसाब से, किसी को ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है किसी को कम अच्छा लगता है तो वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ डाली हैं और ये मैंने धो ली थी अच्छे से। तो अब मुझे यहाँ पर डालना है थोड़ी सी चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 चमचे लिए हैं और वो डालूँगी मैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 नींबू कटे हुए हैं, इन्हें डालना है। इसे मैं स्क्वीज़र की मदद से इसका रस निकाल रही हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, और गर्मियों में ये जूस आप बनाएंगे ना बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आपने 100 ग्राम गुड़ लिया है तो 100 ग्राम चीनी ले लीजिएगा। अगर आप विदाउट चीनी भी बनाना चाहते हैं ना, तो आप विदाउट चीनी भी बना सकते हैं, बट जो टेस्ट आएगा थोड़ा सा चीनी का मिलके बहुत ही अच्छा आने वाला है। चीनी की जो मात्रा है वो भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर है ना, मैंने ये लिया है अदरक का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा है। अब मैं इसे कट कर लूँगी, चाहे तो आप कट कर लीजिए, चाहे आप कद्दूकस कर लीजिए, लेकिन आप कट करके या कद्दूकस करके ही डालिएगा, नहीं तो क्या होगा इससे है ना, ये पिस नहीं पाएगा। यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, ये देखिए मैंने कट करके डाला है। अब हमें क्या डालना है, थोड़ा सा हमें है ना काला नमक डालना है, मैं 1 से 2 चम्मच डाल रही हूँ छोटे, थोड़ा सा सादा नमक। और अब हमें इसे पहले पीस लेना है। पुदीने, नींबू और काले नमक से है ना गन्ने के रस में एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है इन तीनों का टेस्ट गन्ने के रस में। और जो गुड़ होता है वो तो गन्ने के रस से बना ही होता है, तो उसका जो टेस्ट तो क्या कहने। तो अच्छे से जो सामान था इसके अंदर वो पिस चुका है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसे। तो अब मैंने इसे देखिए ये कैसा बना है, सब चीजें मिल गई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन और लिया है, इसमें मुझे दोबारा से छानना है इसे, ताकि जो उसकी गंदगी है कुछ और है तो सब अच्छे से छन जाए। देखिए
ये जितनी भी गंदगी आ गई ना इस छलनी में, या मोटा मोटा पुदीना है या नींबू का है, तो सब इसमें आ गया। तो ये हमने है ना अलग कर लेते हैं। और अब हमें फिर से इसे मिक्सर में डाल लेना है। मिक्सर मैंने है ना एक बार धो लिया था अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर है ना 2 ग्लास के लगभग पानी डालूंगी। और अब मुझे डालनी है इसमें आइस। तो यहाँ पर मैंने लिया खूब सारी आइस और वो हमें डालनी है इसमें। आइस आप खूब सारी डालेंगे तो और अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। और अब मुझे इसे फिर से ढक्कन लगा लेना है इसमें। और अब हम इसमें मिक्सर में रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे मिक्सी में लगा लिया है जार। अब हम इसे फिर से एक बार क्रश कर लेंगे सारी जो बर्फ है। तो देखिए व्हाइट कलर हो गया ना, एकदम झाग बन गए हमारे गन्ने के जूस में। और अब आपको दिखाते हैं हम ऊपर से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत झागदार हमारा गन्ने का रस बना है। और अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। गन्ने का जूस हमारी किडनी, हार्ट और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये शरीर को ठंडक देता है और इससे ना लीवर की प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी दूर होती हैं। तो बहुत ही फायदेमंद होता है गन्ने का जूस हमारी बॉडी के लिए, और बहुत सारे जो शरीर के रोग हैं उनको दूर करता है। और अब हम इसमें है ना थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा है ना रिफ्रेशिंग सा जूस बनके तैयार हो गया है गन्ने का, और वो भी बिना गन्ने के। तो ये बन करके तैयार हो गया है हमारा गन्ने का जूस। और अब मैं इसे पीती हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है गाइस, बहुत ही टेस्टी बना है गन्ने का रस, बिल्कुल मार्केट वाला या ठेले वाला। तो आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज आई होप सो आपको ये गन्ने के रस की रेसिपी जो कि बिना गन्ने के बनाई है पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।